यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज अपना 134वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मौके पर पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह ने इस मौके पर केक भी काटा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मात देकर कांग्रेस पूरे जोश में है, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक बड़े बूस्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस आज 134वां स्थापना दिवस आज मना रही है। इस मौके पर राहुल गांधी और मनमोहन सिंह ने भी केक काटा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में इस खास मौके पर कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस आज हो रहा है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और मनमोहन सिंह ने केक काटा। आज ही के दिन स्थापना दिवस हुआ था। पार्टी मुख्यालय पर झंडा भी फहराया गया। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द 134th डे ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। That's very good, and I'm sure this 134th year of Congress Party Foundation Day will be good for the nation, because this is the only political party responsible, of course, except Bharatiya Janata Party, the Congress and other socialist political parties responsible for the freedom of this country, and I'm sure the Congress विल कम बैक। 134 साल के इतिहास त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का रहा है। आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, इस मुल्क को एक रखा, अखंड रखा, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, कांग्रेस मुक्त कभी होगा नहीं देश से। कांग्रेस मुक्त भी भारतीय बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, मैं कह सकता हूँ आपको।